भारतीय सेना के सर्वोच्च पदक परमवीर चक्र से सम्मानित, जो सैन्य सेवा तथा उससे जुड़े हुए लोगों को दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान है। ये पदक शत्रु के सामने अद्वितीय साहस और परम शूरता का परिचय देने पर दिया जाता है। दोस्तों, ज्यादातर स्थितियों में यह सम्मान मरणोपरांत ही दिया जाता है, लेकिन आज हम रूबरू कराएंगे आपको पहले ऐसे व्यक्ति से जिन्हें जीवित रहते हुए परमवीर चक्र से नवाजा गया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सेकंड लेफ्टिनेंट रैंक होल्डर मेजर राम राघोबा राणे जी की। दोस्तों, अगर इनकी योगदान की बात करें तो ये बात है 8 से 11 अप्रैल 1948 की। उस वक्त ये बॉम्बे सैपर्स रेजिमेंट यूनिट का मार्गदर्शन कर रहे थे, जब पाकिस्तानी सेना द्वारा राजौरी से नौशहरा तक रास्ते में अड़चन पैदा की गई। तब मेजर राम राघोबा राणे जी ने बटालियन के लिए रास्ता साफ किया ताकि वो आगे बढ़ सकें, और इस दौरान हुई मुठभेड़ में इन्होंने 500 से भी ज्यादा दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, इस दौरान राघोबा राणे जी भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इनकी वीरता को सम्मानित करते हुए 21 जून 1950 को उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ये तीसरे भारतीय हैं जिन्हें सेना के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया था। टीम मिक्स्ड माइंड की ओर से मेजर राम राघोबा राणे जी को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।